जी बाहर की आमद आमद है और डेरा गाजी खान में हर जगह पर खूबसूरत फूलों की नुमाइश की जा रही है। इस वक्त टेप्टा गवर्नमेंट सेंटर में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर मुख्तलिफ इकसाम के फूलों की नुमाइश के साथ साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरफ से नुमाइशी स्टॉल लगाए गए। उनके बारे में मैं आपको तफसीलन दिखाता भी हूँ और बताएंगे भी सही कि किस तरीके से बच्चों ने मेहनत करके यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं। आपको यकीनन बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। खूबसूरत फूलों की नुमाइश की हुई है और हमने इसके साथ साथ बलोची कल्चर भी शो किया हुआ है, इसके स्टॉल भी लगाए हैं, इसकी चीज़ें भी दिखाई हुई हैं। जी यहाँ पे ये देखें, ये बच्चों ने स्टॉल बनाए हैं, हमारे टप्टा के इदारे हैं, JVTIW जामपुर से हम लोग हैं और ये सारी हैंडमेड चीज़ें बच्चों ने बनाई हैं स्प्रिंग फेस्टिवल के हवाले से। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे फंक्शंस होने चाहिए ताकि लोग इंजॉयमेंट करें। बहुत अच्छे ये स्प्रिंग फेस्टिवल है, ऐसा होना चाहिए ताकि लोग बहुत इंजॉय करें। जिस तरह का ये फेस्टिवल हो रहा है ना, स्प्रिंग फेस्टिवल बहुत ज़बरदस्त है। एक ही जगह पे हमें मुख्तलिफ स्टॉल्स नजर आए हैं और इस तरह के जो है रंगारंग तकरीब जो है ना होनी चाहिए ताकि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करें इस।
ये बेसिकली ऐसे जो फंक्शंस हैं उनका पर्पज़ ये होता है कि जितनी भी यूथ है शहर की उसको अट्रैक्ट किया जाए टेक्निकल एजुकेशन की तरफ। हमने ये स्प्रिंग फेस्टिवल जो है वो सजाया है ताकि बच्चे इसका रंग देख के यहाँ अट्रैक्ट होके आएँ और फिर वो जो हमारा टेक्निकल एजुकेशन है जो हमारा मेन पर्पज़ है उसकी तरफ बच्चे अट्रैक्ट हों। और दूसरा पर्पज़ ये है कि शहर के जितनी भी यूथ है जितने भी लोग हैं उनको एक प्रॉपर जो है पॉजिटिव हेल्दी इंटरटेनमेंट दी जाए। तो हमारे जो डीजी साहब हैं आमिर अजीज साहब उनका ये इनिशिएटिव है और हम उनके मशकूर हैं। ये जो प्रोग्राम है ये माशाल्लाह अवेयरनेस के लिए तो बहुत अच्छा है। हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से काम करके आए हैं और थ्रू आउट पाकिस्तान मैं ये समझता हूँ थ्योरेटिकल काम चल रहा है, लेकिन ये टोयोटा का वह इदारा है जो कि प्रैक्टिकल काम पर तवज्जो देता है जिसकी हमें ज़रूरत है।